हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज हम देखेंगे अगला टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। टॉपिक बहुत ही सरल है, तो देखिए पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा। आपको जो पहली टॉपिक करवाई थी, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। और इसकी पीडीएफ की व्यवस्था मैं थोड़ी दिन में कर दूंगा, टेलीग्राम पर जा सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा होगा, वो देखिएगा यहाँ पे बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है, खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। चालक अर्धचालक टॉपिक थोड़ा नॉर्मल है, परंतु यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसका आपको पता नहीं रहता है। देखिए डालिए बैंड सिद्धांत, बैंड बैंड सिद्धांत जो है, बैंड सिद्धांत इसका आप टॉपिक डाल लीजिए। बैंड सिद्धांत, बैंड सिद्धांत के आधार पर हम करेंगे चालक आधार पर चालक बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कुचालक चालक कुचालक एवं अपचालक एवं अपचालक बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे ये टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अपचालक के मध्य विभेद, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए हमने चालक खूब अच्छी तरह से पढ़ रखा है। चालक क्या होता है कि जैसे कि कोई ये वो है विद्युत धारा, तो इसके अंदर कोई छड़ है, ये इसके अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक होगा। और जैसे कि कोई भी पदार्थ लिए कुचालक, जैसे कि ये यदि लोहे की छड़ है तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और यदि ये लकड़ी है तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और यदि एक जो पदार्थ है वो इस प्रकार से हो रहा था कि उसके अंदर चालन भी करती है और अर्धचालन भी होता है, अर्थात उसके अंदर अर्धचालन होता है, तो इसके अंदर देखेंगे हम किस प्रकार से है उसे। अब देखिए तो देखिए बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कुचालक एवं अपचालक, तो इसको आप समझिएगा, पहले आप लिख लीजिए फिर बाद में मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए चालक, सर्वप्रथम आप डालिए चालक, यहाँ पे टॉपिक डालिएगा एक नंबर लगा के चालक। और इसके बारे में देखिए धातुओं में लिखेगा, धातुओं में या तो सहसंयोजक बैंड इलेक्ट्रॉनों से या तो सहसंयोजक सहसंयोजक बैंड चालक में लिखेगा धातुओं में या तो सहसंयोजक बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं, या संयोजकता बैंड और चालक बैंड का अतिव्यापन होता है, या संयोजकता बैंड और चालक बैंड का अतिव्यापन
होता है। अब इसे देखिए एक बार कि चालक जो होता है इसके अंदर हम बैंड सिद्धांत के आधार पर कर रहे हैं, तो इसलिए बैंड सिद्धांत के आधार पर कहें इसलिए इस प्रकार से कर रहे हैं, वरना हमसे कोई पूछ ले चालक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सकता है वह चालक कहलाता है। तो यहाँ पे बैंड सिद्धांत के आधार पर देख रहे हैं हम, तो इसलिए देखेंगे कि धातुओं में या तो धातुओं के अंदर या तो सहसंयोजक बैंड या तो सहसंयोजक बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक रूप से भरा होता है, या तो ये सहसंयोजक बैंड जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से क्या होता है भरा होता है, या संयोजकता बैंड और चालक बैंड का अतिव्यापन होता है, या संयोजकता बैंड और चालन बैंड जो है इसका अतिव्यापन होता है। देखिए इसे आगे लिखिएगा फिर अच्छी तरह से और समझेंगे हम। होता है आगे लिखिएगा भरे हुए, यहां पे देखिए आगे है, आगे लिखिए इससे आगे लिखिएगा जस्ट कि भरे हुए तथा रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है। भरे हुए तथा लिखिएगा भरे हुए तथा रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, अर्थात एनर्जी गैप जो इनका होता है, एनर्जी मींस ऊर्जा गैप जो होता है इनका, वो क्या होता है कम होता है। थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए बैंड से रिक्त बैंड में चले जाते हैं, बहुत कम ऊर्जा इसके अंदर जो इसका एनर्जी गैप है ये बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम ऊर्जा पाकर ही ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भरे हुए इलेक्ट्रॉन उस खाली इलेक्ट्रॉनों की जगह पर चले जाते हैं। आगे लिखिएगा ये इलेक्ट्रॉन उस रिक्त बैंड में मुक्त रूप से गतिशील हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उस मुक्त बैंड में मुक्त रूप से गतिशील हो जाते हैं तथा ऊष्मा एवं विद्युत का चालन कर सकते हैं, ऊष्मा एवं विद्युत का चालन कर सकते हैं। अब इसे देखेंगे हम, देखिए किस प्रकार से इसे समझिएगा आप कि इसके अंदर जो होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इसको अच्छी तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके, ये देखिए इसके अंदर गई बार तो नहीं परंतु 2014 और 2016 और 2011 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया, पेपर उठाकर देख लेना आप। और मैं एक बात और बता दूं आपको, अभी क्या है थोड़ी सी क्लास लगाने में थोड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि जो ऑफलाइन जब यहाँ पे कोचिंग चल रही थी तो उसके अंदर भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाने आपको आता था, तो वहाँ पे जो ऑफलाइन बच्चे हैं जो मेरे पास देखते थे वो उनको अभी पता नहीं है, परंतु पता चलते ही वो यहाँ पे क्लास लेंगे, उनको पता है कि मैंने गई बार फर्स्ट ईयर जो है फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को क्वेश्चन बताए थे, उनको लगभग मैंने 100 क्वेश्चन बताए थे, वहाँ से उनके लगभग पूरे क्वेश्चन वहाँ पे मिले हैं पेपर के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फड़ाता नहीं है कोई इनको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई फड़ाता नहीं है, तो वहाँ पे उनको पूरे नंबर मिल गए थे। तो इसी प्रकार मैं आपको जो टॉपिक करवा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवा रहा हूँ, तो इन्हें ध्यान से आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा जो आपके पास एग्जाम के समय पढ़ने में हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे चालक जो होते हैं इसके बारे में एक बार आपको लिखवा दिया, अब इनको समझिएगा थोड़ा सा, ये लगभग सभी को आता है टॉपिक परंतु इसे फिर भी समझेंगे क्योंकि छोटे टॉपिकों से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखें धातुओं में या तो संयोजकता बैंड बैंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं, जो संयोजकता बैंड जो होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन से आंशिक रूप से पूर्णतः भरे हुए होते हैं, एक बात समझ में आ गई, या फिर क्या होते हैं संयोजकता बैंड और चालक बैंड का अतिव्यापन होता है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड का अतिव्यापन होता है। आगे देखिए भरे हुए तथा रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है, इसके अंदर जो है कि देखिए यहाँ पे ये संयोजकता बैंड है, दोनों क्या है संयोजकता बैंड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है,
पहला कारण तो ये था, या तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होंगे। दूसरा कारण था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इनका एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। गैप क्या होता है, कम होता है, जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं संयोजी बैंड के अंदर। तो देखिए इस प्रकार से इनके अंदर ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, इनके अंदर लगभग होता है ऊर्जा अंतराल 7 इलेक्ट्रोवोल्ट का। कितने का, 7 इलेक्ट्रोवोल्ट का ऊर्जा अंतराल लगभग पाया जाता है। देखिए इस प्रकार से इसलिए क्या हो कि इनके हल्का सा जो ताप देते हैं हम चालन बैंड के अंदर, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से प्रतिस्थापित अर्थात यहाँ से जाकर संयोजी बैंड के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि चालन हो जाता है, जिससे कि चालन हो जाता है। बहुत कम ऊष्मा देने पर, बहुत ही कम ऊष्मा देंगे अर्थात एनर्जी देंगे, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए ये यहाँ पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से है, ये लगभग सभी को आता है, इसलिए इसको ज्यादा वो नहीं करना है। आपको 12th क्लास के अंदर पढ़ा है तो वहां से याद होगा आपको, आगे लिखिएगा। दूसरा जो है चाल, ये चालक हो गया। दूसरा एक टॉपिक डालिए आप इसी के अंदर है रोधी, अर्थात देखिए सेकंड टॉपिक डालिए रोधी। रोधी का मतलब समझते हो आप, यहाँ पे रोधी का अर्थ है कि संयोजी बैंड और चालक बैंड जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो एक संयोजी बैंड से चालन बैंड या चालन बैंड से संयोजी बैंड में जाते हैं, तो उनके बीच में मार्ग को अवरुद्ध करने वाला रोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्ग को अवरुद्ध जो होता है वो रोधी का कार्य करता है। तो देखिए रोधी किस प्रकार से है, ये देखिएगा कि अधातुओं में संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है। रोधी एक तरह से रोधियों को धन कौन क्या हो सकता है, अधातु हो सकते हैं। अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होते हैं, अधातु जो होते हैं, देखिए रोधियों अधातुओं में, ध्यान देखिएगा, अधातुओं में संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है, संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है, पूर्णतः भरा होता है। रोधियों के अंदर अर्थात अधातुओं में संयोजकता बैंड जो होता है वो पूर्णतः भरा होता है। क्या होता है, पूर्णतः भरा होता है। आगे लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं आपको, आगे लिखिएगा पूर्णतः भरा होता है आगे। इसलिए इस संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों का गतिशील होना संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का गतिशील होना संभव नहीं है। संयोजकता बैंड तथा अगले रिक्त बैंड में संयोजकता बैंड तथा आगे लिखिएगा संयोजकता बैंड तथा अगले रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है, ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का संयोजकता बैंड से रिक्त ऊर्जा बैंड में क्रोमोनियन नहीं हो पाता है। आगे देखिएगा, जिससे कि वे रिक्त ऊर्जा बैंड में मुक्त रूप से गतिशील हो सके। इसे आप देखिएगा, अब मैं आपको समझा देता हूं, लिख लिया होगा आपने, अब इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये देखिए, रोधी क्या होते हैं, अधातु, लगभग सभी अधातुएं रोधी का कार्य करती है। इनके अंदर संयोजकता बैंड जो होता है,
संयोजकता बैंड जो होता है वो क्या होता है, या तो पूर्णतः भरा हुआ होता है, या तो क्या होता है, पूर्णतः भरा हुआ होता है, भरा हुआ होता है, और या तो एक कारण ये होगा, या फिर इसके दूसरा कारण क्या होगा कि जो इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो अधिक होगा, लगभग 13 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा, 13 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा, जिससे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता, इसलिए ये रोधी होते हैं। क्या होते हैं? रोधी होते हैं। ये लिखिएगा, मोस्ट इनके अंदर 13 इलेक्ट्रोवोल्ट का ऊर्जा अंतराल काफी अधिक होता है, ऊर्जा अंतराल भी इनके अंदर काफी अधिक होता है, 13 इलेक्ट्रोवोल्ट का ये जो इनकी दूरी होती है। आगे देखिएगा आप, अगला जो है उपचालक, कुचालक देख लिया हमने, कुचालक रोधी एक ही बात है, कुचालक अर्थात रोधी अर्थात अधातु, इनके कई नाम है, अधातुओं में भी लगभग कुचालक ही होते हैं। अब देखिएगा, अब लिखिए अपचालक या अचालक, उपचालक या अचालक। देखिए इसके अंदर आप यहां पे लिखिएगा, अपचालक अभी तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो बच्चे हैं अभी वो कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, अभी सब घूम रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, आराम से पढ़ेंगे, बाद में कर लेंगे एक दो महीने में। परंतु जब बाद में कोई, अभी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हैं काफी 50-60 बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो बहुत आगे जाएंगे, उनकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। और जो बच्चे हैं जो क्लास नहीं लेते हैं वो बाद में क्या बोलेंगे कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, एग्जाम नजदीक आ गया। अभी थर्ड ईयर में सेम हालात है, थर्ड ईयर के अंदर सेम हालात है, बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए बिल्कुल, फिर बोल रहे हैं कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो आ सके। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है अपन को, अपन को जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उनको क्लियर करते चलना है, फिर बाद में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं अपने उन क्वेश्चनों को मैं अपने नोट्सों में से ही बनाता हूँ, तो वो नोट्स जो है वो इन्हीं के अंदर से है, तो आप इन्हें ही क्लियर करते चलेंगे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की आपके बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिए अपचालक जो होता है इसके अंदर देखिएगा, उपचालक लिखिएगा, उपचालक एक प्रकार के रोधी ही होते हैं, इनमें संयोजकता बैंड तथा अगले रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल कम होता है, अगले रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल कम होता है। आगे देखिएगा, इनमें संयोजकता बैंड तथा अगले रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल कम होता है, यहां तक लिखिए। आगे लिखिए, और ऊर्जा की कम मात्रा से ही कुछ इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे संयोजकता बैंड से अगले रिक्त बैंड में चले जाते हैं, इस प्रकार चालक बैंड में गए, इस प्रकार चालक बैंड के अंदर गए। आगे लिखिएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता बैंड के एटॉमिक इलेक्ट्रॉन चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे लिखिएगा, उपचालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ने से संयोजी बैंड से अगले चालक बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब इसको समझिएगा, देखिए अपचालक जो होते हैं इनके अंदर चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है, इस चित्र को आप बना लीजिएगा, एक तो ये और एक ये बना लेना। इसके अंदर तो क्या है कि ये संयोजकता बैंड जो है ये पूर्णतः भरे हुए हैं, और ये इसके अंदर एक खाली है, एक भरा हुआ है, और इसके अंदर दोनों भरे हुए हैं। इस प्रकार से ये चित्र आप बना सकते हैं। तो देखें, इस प्रकार से आपके था बैंड सिद्धांत के आधार पर हमने कर लिया चालक
कुचालक एवं अपचालक। इसको मैंने आपको ज्यादा वो नहीं किया है क्योंकि ये सभी को आता है लगभग, इसलिए आपको जल्दी से बता दिया है। अब अगला टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे कल, बहुत ही शानदार टॉपिक है वो जो आप सभी को आता है, 12th क्लास के अंदर यदि पढ़ा होगा तो आता है और नहीं पढ़ा है तो नहीं आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें जिससे कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। और जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, लाइक जरूर करें, जय हिंद।